राम से भी बड़ा राम का नाम, कहते हैं प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा होता है। राम राम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम नाम कहने का अर्थ, एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ, राजस्थान में कहते हैं राम सा। आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है हे राम। दो बार राम कहा तो अभिवादन हुआ, उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं राम राम। तीन बार राम कहा तो संवेदना हुई, जैसे ये क्या हुआ राम राम राम। चार बार राम 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 कहा तो भजन हुआ। तारणहार राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, रैदास या रविदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, समर्थ रामदास आदि। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जाप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय हो जाता है। श्री राम के नाम का असर होने लगता है। चौपाई हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कलप कोटि लगी जाय न गाए। यह थी राम नाम की महिमा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनिए एक छोटा सा भजन। रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, करुणाभिरामा कमनीयनामा। रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, कोदंड रामा कल्याण रामा। रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा, शरणागत परिपालन श्री चरणारामा। समर विजय रामा साकेत रामा, रामा श्री रामचंद्र जय जय रामा। जय श्री राम।